हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड शीतल। सो आज हम करने वाले हैं रूम डेकोर। उससे पहले मैं चाहती थी कि आप ना जो भी मैं मीशो से सामान लाई हूँ वो अलग से दिखा देती हूँ, बिकॉज क्या है कि फिर दो दो वीडियो फिर लॉन्ग हो जाएगी। इस एक में मैं कर भी रही हूँ, एक में मैं पूरा दिखा भी रही हूँ। तो पहले ना आप लोग ये देख लीजिए कि मेरा जो रूम था उसका कलर येल्लो था एंड बहुत ज्यादा क्योटिक था, लाइक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, स्टैटिक नहीं लगता था। तो स्टैटिक के लिए मैंने सोचा व्हाइट हमेशा बहुत ही क्लासी लगता है, तो मैंने सब कुछ व्हाइट कर दिया एंड मैंने व्हाइट कर्टेन्स कर दिए। मैंने ये जो दीवार पे पेंट देख रहे हैं ये खुद करा है, व्हाइट पेंट करा, पूरी वॉल पे खुद ही पेंट करा एंड व्हाइट शीट, जो बेड शीट होती है वो भी व्हाइट लिए, कुशन कवर व्हाइट लिए, सब कुछ व्हाइट व्हाइट कर दिया है। एंड जो थीम है व्हाइट ब्राउन एंड ग्रीन की है, ग्रीन हम प्लांट्स लगा देंगे थोड़े बहुत, बाकी सब कुछ ऐसे ही होगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी फर्दर मुझे सबसे अच्छे के जो फर होते हैं ना, आप ये देख सकते हो ये फर लग रहा है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, लिटरली मन भी नहीं करेगा इस पे सोने का, इतने ज्यादा सुंदर है। ये वाले जो कुशन कवर है काफी अच्छे है और ये मैंने मीशो से मंगाए थे। I really want this Pinterest inspired wall in my room, तो मैंने ही ऑर्डर कर लिया मीशो से, जो कि मेरे को 311 रुपीज का पड़ा है। एंड ये सारा जो पोस्टर है बहुत ज्यादा रेट्रो वाइब के हैं, जो कि मुझे बहुत ज्यादा मस्त लगे। 311 में सही आए हैं, 60 पोस्टर बोला था, 62 मिले हैं। आप कमेंट कर सकते हैं उन लिंक के लिए। सो आई लव दिस। सेकंड है बेड सीट। आप बेड सीट की यहाँ पे अनबॉक्सिंग भी कर रही हूँ, बेड सीट विद टू कवर्स। ये दोनों मेरे को जस्ट इन 279 रुपीज पड़ी है, लिटरली 279 रुपीज की दोनों पड़े हैं। कवर किंग साइज बेड सीट है, आप लोग देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे वीडियो चला दूंगी, किंग साइज बेड सीट है और साथ में ये कुशन कवर्स है जो की काफी अच्छे है। दो कुशन कवर विद किंग साइज बेड सीट काफी मस्त लग रही है, मेरे को पर्सनली बहुत सही लगी, क्योंकि जो इसके अलावा भी मैंने और लाई थी मार्केट से वो 600 रुपए की एक बेड सीट थी, जो पिंक और थोड़ा येलो और बेज टाइप के कलर में लाई थी, क्रीम कलर में, एंड वो आई थी मेरी 600 की एक बेड सीट। बट ये मैंने मीशो से मंगाई है 279 रुपीज में पड़ी है, मेरे को काफी अच्छी लगी है उसके अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट है हमारा ये प्लांट, ये हैंगिंग प्लांट है, इसे है ना ऐसे करके किसी, मतलब अभी मैं दिखाऊंगी, मैंने कुछ सेल्फ्स भी मंगाए हैं वहां पे ऐसे लगा सकते हो और ये प्लांट ऐसे हैंग करता रहेगा तो काफी सुंदर लगता है। प्लांट फेक प्लांट है, क्वालिटी वाइज देख रहे हो काफी अच्छा है। इसका पॉट जो है ब्लैक कलर का है, ये व्हाइट का होता और मजा आता, बट ठीक है ये तो दिखेगा भी नहीं, प्लांट के उसमें हो जाएगा। एंड ये पूरा ग्रीन ग्रीन की लीव्स है जो की ऐसे करके हैंग कर रही है और इसका साइज ना मेरा जो हाथ है उसके बराबर होगा, लाइक हाँ पूरा हैंड कवर हो रहा है। एंड ये काफी सही है, 279 का है, मेरे को लगता है प्राइस थोड़ा ज्यादा है, मेरे को 279 के अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्राइस ज्यादा लगा, लेकिन ठीक है यार, ऑनलाइन आना जाना इतना वो मेरे को लगता है लॉजिस्टिक में इतना लग जाता है, तो ठीक है वर्थ इट है 279 का। एंड सब चीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप वो भी देख सकते हो। एंड नेक्स्ट है मैक्रो में वॉल हैंगिंग, एंड पिक्चर्स में देख लो पहले ऐसा दिखाया है, लेकिन मेरे को जो रिसीव हुआ है ये ऐसा रिसीव हुआ है, ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे देख रहे हो इसका सबसे ज्यादा मेरे को जो डिफेक्ट लगा इस लकड़ी का लगा, ये थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, पिक्चर में काफी ज्यादा बड़ी लकड़ी थी बट ठीक है। एंड इसके बाद ये यहाँ से ऐसा है, यहाँ पे प्लांट्स आप हैंग कर सकते हो ऐसे, तीन बड़े बड़े प्लांट, काफी अच्छे प्लांट आ जाएंगे तीन। तो ये है, ये आया था मेरे को मैक्रमे हैंगिंग 126 रुपए का, 126 आया, ज्यादा का नहीं है, सिर्फ 126 रुपए का ये पूरी मैक्रमे हैंगिंग आई है। एंड इसका ये डिजाइन ऐसा है, बाकी यहाँ पे तीन प्लांट लग जाएंगे, उसका मैं यहाँ पे वीडियो भी चला दूंगी जब मैं कर दूंगी, तो बाकी आप लोग ना ये पहले आ जाएगी जहाँ तक वीडियो, तो आप लोग उसके बाद जाके मेरे को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो रूम डेकोर की होगी, तो आप लोगों को पता लग जाएगा, रूम डेकोर वाली जैसी वीडियो आएगी नोटिफाई कर लेना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें आपको पूरा मेरा रूम का जो डेकोर है वो
जाएगा कैसा लग रहा है क्या लग रहा है टाइप। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे ये व्हाइट के मल्टीपर्पज सेल्स है, जो कि मुझे मल्टीपर्पज सेल्स 157 रुपीज में ये दो मिले। मैंने एक मिरर लगवाया है यहाँ पे साइड में, ये यहाँ पे इधर की साइड फुल साइज मिरर है, तो उसके बगल में मेरे को दो ऐसे ही लगाने थे, बिकॉज मैं यहाँ पे अपना स्किन केयर वगैरह रखूंगी। और ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो स्टिक करने वाली जो चीज है ये है, इसके पीछे से इसे हटा देंगे तो ये डायरेक्ट दीवार पे ऐसे करके स्टिक हो जाएगी। तो ये चीज अच्छी है, व्हाइट कलर में है तो मेरी थीम के साथ जा रही है, 157 में है, प्लास्टिक काफी अच्छी वाली है, तो आई लव इट। अब आती हूँ मैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे 6 प्लांट फेक प्लांट, यहाँ पे देख लीजिए पिक्चर, ये 6 फेक प्लांट है जो की प्लास्टिक के फेक है एंड व्हाइट कलर का इनका थीम है, तो मैं एक एक करके दिखाती हूँ। फर्स्ट है ये वाला फेक प्लांट जिसकी लीव्स जो है कोरिएंडर वाली जो लीव होती है ना, हाँ उसी की तरह दिख रही है। सेकंड है ये वाली प्लांट जो कि बहुत क्यूट है ये भी। एंड थर्ड ये कैक्टस टाइप का प्लांट है, ऐसे 2 प्लांट आए हैं सेम इसी टाइप के, ठीक है। एंड ये है 4th प्लांट, ये ऐसा है, ठीक है। एंड ये 5th वाला मेरा फेवरेट है, थोड़ा बड़ा है इन साइज में इन सबसे। एंड दिस वन, एंड ऐसे ये पूरे 6 प्लांट है और 2 सेम आए हैं, एक ये वाला सेम आया है, बाकी सारे एक जैसे, ये 6 प्लांट आए हैं। इसके बाद ये जो आए थे 6 फेक प्लांट आए थे जस्ट इन ₹148, क्वालिटी वाइज मस्त है, 148 रुपीज में क्या ही आता है, आप कुछ भी 50 के 2 या 50 के 3 आ जाएंगे, लेकिन वही है 148 में आपके घर पर डिलीवर्ड हो गए। और ये आप लोग सोच रहे होंगे इतना सस्ता कैसे, मैं हमेशा प्रीपेड ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि प्रीपेड पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है मीशो, तो आप लोग भी हमेशा ट्राई करना प्रीपेड ऑर्डर करना, अगर कुछ गलत आ जाता है तो रिटर्न, मेरे अभी तक सारे ऑर्डर जो गलत आए वो रिटर्न हो गए एंड उनका रिफंड भी आ गया मेरे लिए, मैं लक्की हूँ शायद, तो वो हो गया। बहुत लोगों को सुना है कि मीशो से ऐसे गलत ऑर्डर आ गया, लेकिन रिटर्न कर लेते हैं, इजी रिटर्न है, तो मेरे को इतना इशू नहीं है। एंड इसके अलावा ये है फेक प्लांट की ये लीव्स है, ठीक है, ये हैंग करने के लिए मंगाई थी, 2 है, ठीक है, ऐसे 2 लंबी लीव्स है जो आर्टिफिशियल लीव्स, ये 108 रुपीज, 108 की आई थी, 2 लीव्स आई थी, तो ये थोड़ी बस ऐसी नॉर्मल 2 डंडी है, बड़ी बड़ी जो लीव्स होती है वैसी वाली है। तो ये भी मैंने हैंग करने के लिए मंगाई है मिरर के आसपास लगाने के लिए, ये आई थी 108 रुपीज की, क्वालिटी वाइज ओके है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, 108 रुपए की है तो ठीक है। एंड इसके बाद आते हैं हमारा ये साइड में देख रहे हो जहाँ लव लिख रहा है, एंड ये लव जो है ये ऐसा है, ये ई है इसका, ठीक है, ये एल है लव का, एंड ये सेल्स है एक्चुअली, इस पे ना आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे एल है एल को ऐसे रख दिया, ठीक है, ऐसे ये दीवार पे स्टिक हो जाएगा, मैं डबल साइडेड टेप से स्टिक कर दूंगी, वैसे यहाँ पे आप कील लगा के कर भी सकते हो बट मैं वो नहीं करूंगी, मैं सिर्फ डबल साइडेड टेप से स्टिक कर दूंगी ना। एंड यहाँ पे एल, ठीक है, ये है हमारा ओ, एल ओ, ये है वी और ये है ई, काफी अच्छी है, मतलब इसका जो प्राइस था वो 133 था, मैं पहले ही बोल रही हूँ सारे मैंने प्रीपेड ऑर्डर करे थे, ठीक है। ये एल है आप देखो, एंड ये है ओ, ये है बी, ये है ई, ये लव आया था, लव का जो हैंगिंग है वॉल हैंगिंग ये आई थी मेरे को 133 रुपीज में, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा सही है, इतना मोटी लकड़ी नहीं है जितना पिक्चर में दिखाया था, बट यार फर्निस्ड है, सबसे अच्छा ये फर्निस्ड है, काफी अच्छा लग रहा है मेरे को, सुंदर लग रहा है, तो आई लव इट। तो सेकंड चलते हम बास्केट पे, एंड हमारा ये आ गया बास्केट, ये बास्केट आप पिक्चर में देख लेना ऐसा देखा था, ये मैंने प्लांट के लिए लिया है, इसके अंदर मैं ये जो पीछे प्लांट देख रहे हो ये एरिका प्लांट वो इसमें रखने के लिए लिया है, वो पूरा ढक जाएगा और प्लांट ऐसे लगेगा, तो ऐसी जूट वाली बास्केट में ना प्लांट अच्छे लगते हैं रखे हुए, इसलिए ये मैंने प्लांट के लिए लिया है। एंड जूट वाली थीम ना कुछ सारी सी तो लगती है यार, तो इसलिए। और इसकी जो बास्केट की प्राइस है 146 है, एक बास्केट आई है, क्वालिटी वाइज ना ओके है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, एंड ये यहाँ से ऐसे पकड़ सकते हो इस टाइप की है, और इसके एंडिंग में ये ऐसे कलर लगे हुए हैं, ये ऐसा है, तो ओके है 146 में, मतलब इससे बेटर आ सकती थी मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वो
वही है, डिलीवरी चार्ज वगैरह बहुत कुछ लग जाता है, तो 146 में मेरे को तो अच्छी लगी। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है हमारी एलईडी लाइट्स है। एंड ये जो है ऐसे पैक होके इससे अच्छे से आई थी, तो ये मैंने दिवाली के आसपास मंगाई थी, मंगाई रूम के लिए थी, अब डेकोर करूंगी। तो ये लाइट आई है कुछ ऐसी, ठीक है, ये देख रहे हो ना, दो लाइट आई है, इसमें आप ये डाल सकते हो, ये मैंने खुद डाली है, बैटरी वाली लाइट है। एंड इसे मैं चला के दिखाती हूँ, देखिए, एंड इसे अभी ये दो लाइट है एलईडी की, ये मैंने मिरर के साइड में ही लगाऊंगी, ठीक है। ये दो लाइट आई है जस्ट इन रुपीज, एलईडी लाइट 136 रुपीज की है, दोनों लाइट 136 रुपीज की है, और ये होंगी पूरे ऊपर से नीचे तक एक एक दो दो मीटर के है, तो काफी अच्छी है, देखो ऐसी वाली लाइट है 136 रुपीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट ये है कि इनकी बैटरी नहीं आएगी, ये जो ब्लू ब्लू बैटरी होती है ना, ये नहीं आने वाली, ये आपको खुद ही लेनी पड़ेगी, तो मेरे को ठीक लगी 136 के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा ये RGB लाइट। तो ये वाली लाइट आप लोगों ने बहुत लोगों को डांस करते हुए उनके पीछे बैकग्राउंड में लाइट चलते हुए देखा होगा, ये लाइट है RGB की, और इसके साथ ये रिमोट भी आया है, लुक एट दिस। ये वायर मैंने खुद ही लगाई है, अपने आप घर पे लगाई है, आप भी लगा सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा वायर पड़ी हो वो लगा देना। तो इसके साथ रिमोट भी है, एक बार मैं इसे जला के दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये RGB लाइट है, इसकी वायर मैंने खुद लगाई थी, ठीक है। अब मैं इसे ऑन कर रही हूँ, ये देखिए ये रेड हो गई, ठीक है, वो आपकी डिपेंड करते हैं रिमोट के अकॉर्डिंग। जैसे ये मैं ब्लू दबा रही हूँ, ब्लू हो जाएगी, येलो दबा रही हूँ, येलो हो जाएगी, ठीक है। एंड ये पर्पल टाइप आ रहा है यहाँ पे, ये दबा के देखते हैं एक बार, ये देखिए पिंक और पर्पल टाइप मिक्स हो गया, ठीक है, ये पूरा ब्लू हो गया, एंड ये हो गया रेड। तो ये ना जैसे अभी तो आपको अजीब लग रहा होगा, जैसे बहुत सारी वीडियोस देखे ऐसे मुंह पे लाइट आती है, रेड रेड लगता है, एंड जैसे मेरे को व्हाइट लाइट करनी है, देखो वाओ दिस इज सो नाइस, लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो मुझे भी लग रहा है ऐसी लाइट इसे आगे लगा के वीडियो बनाऊंगी, तो ठीक है, अब जो वीडियो बनाऊंगी ऐसे ही बनाया करूंगी, दिस इज सो नाइस लिटरली। आप ऐसे एंड ये ऐसी है, लाइक लुक एट दिस, आई एम लुकिंग नाइस लिटरली, बहुत अच्छी लग रही है ये। एंड इसके अलावा ब्लू बाकी बैकग्राउंड में रखने से भी पूरा कलर आता है, अगर मैं पीछे बैकग्राउंड में ऐसे रख दूं, ये पिंक जला दूं, ठीक है, ये ब्लू चढ़ा दी और नीचे ऐसे रख दिया, थोड़ा पॉप ऑफ कलर मेरी ऐसे यहाँ पे शर्ट पे आ रहा है, कि पीछे रख देंगे तो पीछे की साइड आएगा ऐसे, अगर यहाँ रख देते हैं अगर वहाँ दीवार पे आ रहा है। ये कलर के लिए मैंने ये RGB लाइट मंगाई थी, और इसका प्राइस आप लोग सुन लोगे ना, इसके क्वालिटी ओके ओके है, बहुत ज्यादा अच्छी है, आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं आएगी, ओके ओके है। इसके साथ ऐसा स्टैंड है, आप ऐसे करके रख सकते हो ऐसे कहीं पे, वो स्टैंड आया है, क्वालिटी ओके ओके टाइप्स है, एंड ज्यादा एक्सपेक्टेशन इससे रखना नहीं चाहिए, बट मेरे को ये व्हाइट लाइट काफी अच्छी लगी है, लाइक रिंग लाइट का काम कर रही है। मेरे पास रिंग लाइट है, लेकिन आज मैंने निकाली नहीं, क्योंकि मेरे को लगा क्यों निकालना यार, बस मैंने सारी बहुत सारी लाइट्स ऐसे ऊपर जो वॉल लाइट होती है बहुत सारी खरीद के लिए आई थी, ऊपर ही लगा दी, तो इसलिए मैंने निकाली नहीं। ये जो प्राइस था इसका मैंने अभी आपको बताया भी था, क्या था, RGB लाइट 147 रुपीज, लिटरली 147 के अकॉर्डिंग इसकी जो वर्थ है ना काफी मस्त है, मुझे मस्त लगी है। आप चलते हैं हम नेक्स्ट पे, ऐसी लगा लेती हूँ यहाँ पे, दिखूंगी ना कम से कम। और इसके अलावा अब जो दिखा रही हूँ मैं आपको, ये है छोटे जो लाफिंग बुद्धा होते हैं, बोलते हैं कि जो बुद्धा होते हैं, जो लाफिंग बुद्धास होते हैं, तो आप उन्हें अपने घर में रखते हो या किसी से गिफ्ट मिलता है, वो आपको वो आपके लिए गुड लक के लिए अच्छा होता है, एंड हैप्पीनेस आती है, वेल्थ के अच्छा होता है, पैसों के लिए, ये है वो भी। मैंने चार लाफिंग बुद्धा मंगाए थे, मतलब चार छोटे सेट आए हैं, लव देख रहे थे मेरे को उन पर रखना था। फर्स्ट है ये, तो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं, एंड सेकंड है ये, तो बहुत ज्यादा क्यूट है, ब्राउन कलर के, एंड देख रहे हो कितने प्यारे से है ये लाफिंग बुद्धा। इसका जो प्राइस था 149 रुपीज है, लाफिंग बुद्धा का, जो बंदर गांधी जी के तीन बंदर होते हैं ना, गलत ना सुनना गलत ना देखना, वो वाले हैं तीन, तो
ये चार लाफिंग बुद्धा है मेरे 184 रुपीज के, छोटे छोटे हैं ना, कार वगैरह में भी लगा सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा जो फ्लिपकार्ट से मैंने कुछ कर्टेन्स मंगाए थे तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। लाइक कर्टेन देख रहे हो आप ये वाले, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, व्हाइट कलर के हैं, पर ये इस टाइप का है, साइनिंग है इनमें, ठीक है, एंड ठीक ठाक है, 800 अप्रोक्स का आया था, प्राइस मैं डाल दूंगी। और ओवरऑल ना मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं, लुक एट दिस, ये चार कर्टेन आए हैं जो कि पूरी लेंथ के हैं, नीचे तक है, ऐसे है पूरे, ठीक है, नीचे तक है पूरा। और ये 4 कर्टेन आए थे जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए। एंड इसके बाद है ये, लुक एट दिस, ये है वॉल स्टिकर जिनके साथ ये डबल टेप लगाया था, ये मैंने ऑलरेडी पहले लगा रखे थे, ठीक है, ये एक साइड में लगेगा, ये दूसरी साइड में दो, एंड दिस वन ये थोड़ा बड़ा वाला है जो बीच में आ जाएगा, ऐसे 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 लगेंगे ये तीनों, तो काफी क्यूट लगेगा। ये भी आया था 170-180 कुछ का, ये अमेजोन से मंगाया था, एंड ये भी अमेजोन से, लाफिंग बुद्धास भी अमेजोन से मंगाए थे। सो यही था पूरा मीशो का हॉल, आई होप आप लोगों को मीशो का हॉल अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी रूम डेकोर की आएगी, तो पहले मेरा रूम इस टाइप का दिखता था, वो मैंने चेंज कर दिया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये तो एक बैकग्राउंड है, सिर्फ एक बैकग्राउंड है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था मैंने पोस्टर्स वगैरह सब लिए हैं, तो वो सब मेरे को अप्लाई करने हैं, वो अप्लाई करते हुए मैं दिखाऊंगी पूरा 24 आवर के अंदर मैंने कैसे रूम को पूरा चेंज कर दिया, वो जरूर देखना। एंड चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू एंड टेक केयर, लव यू।